मिनी गैंग रेप मामले के, जिसमें पंचकुला पुलिस ने पहली गिरफ्तारी कर ली है। पुलिस ने गैंगरेप के आरोप में रायपुराने निवासी साहब सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस आज आरोपी साहब सिंह को कोर्ट में पेश करेगी। पुलिस ने आरोपी साहब सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 328, 342 और 506 के तहत एफआईआर दर्ज की है। आपको बता दें कि गैंगरेप मामले में अब तक 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वह पंचकुला महिला थाने में शनिवार देर रात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। ऐसा माना जा रहा है कि पुलिस कोर्ट में आरोपी की रिमांड की मांग कर सकती है और रिमांड के दौरान गैंगरेप में शामिल और आरोपियों को लेकर अहम जानकारियां भी मिल सकती हैं। मोरनी हिल्स गैंगरेप मामले में सस्पेंड किए गए 4 पुलिसकर्मियों के मामले में अब नया मोड़ आता दिख रहा है। दरअसल सस्पेंड की गई महिला थाना की एएसआई सरस्वती के मुताबिक उन्होंने इस मामले की जानकारी महिला एसएचओ को पहले ही दे दी थी। महिला एएसआई ने सवाल किया है कि जब उन्होंने इसकी जानकारी एसएचओ को दे दी थी तो फिर उन पर गाज क्यों गिरी। सस्पेंड महिला एएसआई ने व्हाट्सएप मैसेज भी दिखाया, जिसमें स्क्रीनशॉट के मुताबिक एसएचओ ने कहा था कि केस चंडीगढ़ भेज दो। आपको बता दें कि ये मोरनी गैंगरेप मामले में हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए 22 साल की युवती को बंधक बनाकर 4 दिन तक उसका गैंगरेप किया गया। इसके बाद जब पीड़िता ने आरोपी होटल मालिक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए पहुंची तो उसका केस तक दर्ज नहीं किया गया था।